खजूरों की थोड़ी सी हमने चेंजिंग करी है रमज़ान की, और वो क्या चेंजिंग करी है वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, तो आगे आपको मिलेगा कि जो खजूरें हैं और जिनकी मैं गुठलियाँ निकाल के रख रही हूँ, तो इनके साथ मैं क्या मजाक करने वाली। तो देखिए, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला अपनी सम्मान में रखे सबको, और उन सबको भी हमारा बहुत बहुत सलाम जो हमारी वीडियो नहीं देखते हैं। और सबसे पहले मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक सबको, सब देखने वालों को जो हमारा चैनल देख रहे हैं और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सबको हमारे तरफ से बहुत 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 रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला ये महीना हम पे बरकत और रहमतें नाजिल करे, और इस रमज़ान में अल्लाह ताला हमारी सारी जायज़ तमन्नाओं को ज़रूर पूरा करे और हमें नेकी और इबादत करने की तौफीक दे। तो पहली सहरी माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुकी है और मेरा ब्लॉग सहरी से स्टार्ट हुआ है। तो भाई पहले शुरू में दिखाया मैंने फ्रेस्को देबड़े, वो यूँ दिखाया कि मेरा दिल चाह रहा था, और मैं खा रही हूँ सहरी में सिर्फ फ्रेस्को देबड़े, थोड़े से पराठा यहाँ रेडी है जो कि हसबे माहौल सब लोग सहरी में खाते हैं अक्सर लोग पराठे, तो यहाँ पराठा रेडी है। और भाई यहाँ सालन में मैंने बनाया था चिकन अचार गोश्त, तो यहाँ पराठे तैयार हो रहे हैं। रोज़े माशा से हमारे यहाँ सिर्फ दो बच्चे ही नहीं रख रहे, मेरा छोटे हैं, बाकी तकरीबन सब रोज़ा रखने वाले तीनों लोग। तो यहाँ पराठे तैयार हो रहे हैं, उसके बाद लस्सी है, लस्सी हमारे यहाँ पी जाती है, मैं नहीं पीती, बाकी और सबके लिए लस्सी बन रही है, और मैं सिर्फ खाती हूँ दही और इस्बगुल जो कि बहुत बेस्ट है। और जिन लोगों का एसिडिटी का मसला होता है वो ज़रूर अगर एक दफ़ा ट्राई करिएगा, सहरी में इस्बगुल और दही मिला के खाएँ, बहुत ज़बरदस्त रहता है, मैदे के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी पहले सहरी रेडी कर दूँ, और क्योंकि टाइम बहुत कम है, उसके बाद इंशाल्लाह पूरा दिन का ब्लॉग ज़रूर ज़रूर तैयार करना है मैंने आज, और सॉरी बनाना है, और क्या क्या अफ्तारी में बनेगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जनाब यहाँ हो गए हैं तैयार पराठे, सालन और लस्सी और मेरी चाय। तो पहली सहरी सबको बहुत बहुत मुबारक, और यहाँ सहरी के बाद हम आपको इंशाल्लाह मिलेंगे अफ्तारी के टाइम पे, और जो तैयारी बन कर रही जा रही होगी और जो बना रहे होंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो चीज़ें। तो इंशाल्लाह अब हम शाम में मिलेंगे क्योंकि अभी टाइम है बहुत शॉर्ट, और सहरी के बाद जो है भाई बच्चों की है रवानगी, वो है स्कूल के लिए, तो उनको भी तैयारी करना है, तो यहाँ टाइम मेरा शॉर्ट है, तो हम इंशाल्लाह सहरी करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके साथ शाम में ज्वाइन करते हैं। इसको निकालो, चलिए मानो, चलो बाहर जाइए, इसकी मोबाइल में ना अभी लाइट नहीं है। भैया अपने घर जाइए, एक तो उसको आवाज भी तो नहीं आती, सोने पे सुहागा के बेचारा वो बहरा है, स्लीपर साइड में करो, अंबिया जाओ छोड़ कर आओ उसको। तो यहाँ हो चुका है टाइम अफ्तारी बनाने का, और अफ्तारी में अभी फ़िलहाल अभी तो मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं करा, मगर यहाँ साबिया स्टार्ट कर रही है पहली दफ़ा कस्टर्ड बना रही हूँ मैं लाइटी रफान का चॉकलेट फ्लेवर में, क्योंकि मैं ये चॉकलेट पर बहुत शौक है, सब खाते हैं, अब वो केक हो या कुछ भी। तो ये देखें यहाँ साबिया ने 4 स्पून लिए इसके पाउडर के, कॉर्नफ्लोर सॉरी रफान के चॉकलेट के, वो मेल्ट करा है मिल्क के अंदर ताकि इसके लंप ना बने, अच्छे से मेल्ट करने के बाद अब हमने दूध लिया है तकरीबन ये होगा 1/2 लीटर दूध, और उसमें अभी चीनी ऐड करनी है, कितनी तकरीबन हम डालेंगे इसमें 4 खाने के चम्मच चीनी फुल भर के, हाँ हो गई चीनी मेल्ट। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने चॉकलेट का मिक्सचर बना के रखा था मिल्क के अंदर, तो वो ऐड करेंगे, और ये सारा काम अब आज साविया करेंगे क्योंकि उनको अपने खाने के चक्कर में ना काम कर लेंगी वरना नहीं। तो ये सारा ऐड हो गया है, इसको स्पैचुला से साफ करो पूरा। अभी हम पहले इसको खूब थोड़ा थिक कर लें,
उसके बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उसके बाद हमें इसके बीच में अंदर लगानी है केक की लेयर, चॉकलेट केक की लेयर, साविया पाइन एप्पल वगैरह कुछ भी नहीं लगानी। साविया के लिए मुझे पाइन एप्पल कुछ नहीं चाहिए, तो बस सिंपल सी ये चीज़ होगी। और फिर हम लास्ट में आपको दिखाएंगे कि क्या होता है ये। तो और जनाब यहाँ बन रहा है जो, हाँ जो मैं आपके साथ छोटी सी खजूरों की जो है मैंने बनाने हैं लड्डू, और खोपरे के साथ होते हैं, बड़े यमी होते हैं। तो रोज़ा में हम तकरीबन सारी चटपटी सब चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल करते ही हैं, मगर जो मेन चीज़ होनी चाहिए ना वो हम लोग उस पर फोकस नहीं होता, सिर्फ खजूर खा लेते हैं अक्सर बस खा ली। तो थोड़ा सा खजूर को और हेल्दी करने के लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया अपनी कि उसमें मैं क्रीम और सिर्फ बादाम रख के और उसको फिलिंग कर देते, मगर उसको थोड़ा सा डिफरेंट जायका दे दिया, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका दे दिया। और किस तरीके से कि मैंने शुरू में आपको दिखाया, मैंने खजूर की जो सारी गुठलियाँ वो निकाल दी हैं। अच्छा, निकालने के बाद अब मैंने इनको जो है हल्का सा देसी घी में, ज़्यादा नहीं देना है, बहुत थोड़ा सा देसी घी में मैं इसको अच्छे से पूरा एक सा मिक्स कर लूँगी, क्योंकि आप देखें अलग अलग है, बिल्कुल एक सा पेस्ट बना लूँगी इसका। इतना हम इसको ठीक कर लेंगे कि पेस्ट बन जाए, उसके बाद फिर हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, किस तरीके से लेयर करेंगे, क्या कोटिंग करेंगे, वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो यहाँ मैंने लिया है सिर्फ, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा ऑयल घी लिया है देसी, तकरीबन एक खाने का चम्मच होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और इसके अंदर मैं करूँगा खजूर ऐड। तो यहाँ पेस्ट जो है वो 5 मिनट में तैयार हो गया तकरीबन, से मैंने 5 मिनट स्पून की मदद से इसको खूब अच्छा सा मिक्स करा, और ये पूरा जो है देखें इतना थिक हो गया, और जो अलग अलग हुई थी सब एक जगह हलवा टाइप का तैयार हो गया। तो मैं इसको पहले निकाल लूँगी। यहाँ मैंने सारा पेस्ट निकाल लिया है, यहाँ बादाम हैंगे कुछ मैंने बीच में से कट कर दिए थोड़े से और करने, और ये है कोकोनट, खोपरा पिसा हुआ, और ये है क्रीम, क्रीम कोई सी भी आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत से लोग आप कर भी सकते हैं कि हमने जब ये इसको भूना है असली घी में, तो आप चाहें तो बादाम पिस्ते और काजू ये तीनों चीज़ें अखरोट लेके थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के, और आप पहले इसको घी में हल्का सा सौते करें और उसके बाद फिर खजूर सौते करें, और वो सब एक जगह मिक्स करके उसके भी बन सकते हैं। मगर बच्चे जो हैं वो मुझे पता है कि हमारे किस तरह के, तो मैंने कहा बादाम तो ज़रूर खा लेंगे अंदर, वैसे ज़्यादा नहीं। और बल्कि अभी भी इसमें फरमाइश आ गई कि मम्मा कुछ में जो है कोकोनट नहीं लगाइएगा, बादाम और क्रीम ज़रूर रखिएगा, मगर कोकोनट नहीं लगाइए, वो सावी हैं वो नहीं खाएंगी। तो मैंने इस तरीके थोड़ा सा अलग बना रही हूँ, मगर ये हेल्दी है और बच्चे बड़े मज़े से खा भी लेते हैं। और खजूर से ज़्यादा कि उसमें आप कोकोनट भी मिल रहा है, उसमें हमें बादाम भी मिल रहा है, थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग खजूर खा तो लेते हैं रोज़े में, बस स्टार्टिंग में बस एक हाँ भाई खानी है, एक जान छुड़ाते हैं, मगर अगर इस तरीके से खाएंगे तो जान नहीं छोड़ेगी, बल्कि मज़े की लगेगी। और एक से दो भाई मैं तो 2 या 3 खा लेती हूँ इस तरह अगर बनी होती है। तो अब लास्ट हम स्टार्ट करते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती भी हूँ मैं कैसे फिलिंग करूँगी, और बाकी जब पूरी रेडी हो जाएंगी तो उसके बाद वो भी दिखाऊंगी। थोड़ा सा एक हाथ से शूट करना मेरे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मगर फिर भी मैं दिखाती हूँ कि मैं, हम ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लेंगे, लेंगे हम कमी लेयर, और ये देखें क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लड्डू बन जाएंगे, तो मैं ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, ये देखें ये हमने थोड़ा सा लिया। इसके बाद मैंने अब इसमें हल्की सी मलाई लगानी है, या आप क्रीम कह लें, क्रीम हो आपके घर में या आप मलाई हो, दोनों चीज़ें रख देते हैं। अब मैं हल्की सी में लगाऊंगी और एक बादाम का पीस रखूंगी, और उसके बाद पूरा इसको फोल्ड करके और फिर हम कोकोनट में लगाएंगे। तो ये मैं भी दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मैं एक हाथ से शूट करना और एक हाथ से सब करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, मगर दिखाते हैं फिर। पहले मैं सिर्फ एक आपको चीज़ ये दिखा दूँ कि मैंने अभी सिर्फ ये करा है, इसमें क्रीम लगाई है और बादाम बीच में रखा है, और अब मैं इसको फोल्ड कर दूँगी और उसके बाद फिर कोकोनट में ऐड करूँगी। और जी यहाँ हो गया एक लड्डू तैयार हमारा, तो ये देखें, और ये वाले लड्डू देख के मुझे अपने जो बचपन में हमें एक लड्डू मिलते थे बड़े ज़बरदस्त होते थे, और वो तो उस टाइम पे शायद आई थिंक 4 आने के होते थे, बहुत ज़बरदस्त होते थे, और उसमें बल्कि उन्होंने कोकोनट में थोड़ा सा कलर देके ग्रीन या पिंक, और वो ऊपर कोटिंग होती थी। तो भाई एक हमारा रेडी हो चुका है, और इसी तरीके मैं सारे तैयार कर लूँगी, बस कुछ में मैंने कोकोनट नहीं लगाना है, वो साविया के से। तो जब सब तैयार होते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं और बड़ों के लिए भी, तो ज़रूर ट्राई करें, कोई इतनी मेहनत भी नहीं है, बहुत जल्दी तैयार होने वाली चीज़ें हैं। और तकरीबन ये 3-4 चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, खजूर भी रमज़ान में होते हैं, बादाम घर में तकरीबन सबके यहाँ होते हैं, क्रीम लाजमी आती है रमज़ान में क्योंकि फ्रूट चाट वगैरह के लिए यूज़ होती है, और कोकोनट भी तकरीबन घरों में होता ही है, और नहीं भी होता तो मंगा लें जनाब, बस थोड़ी सी चीज़ें
और ज़बरदस्ती एक अलग से जो खजूर हम रोज़ रूटीन में खाते हैं या हर दफ़ा रमज़ान में खाते हैं, थोड़ा उससे हटके हो जाएगी। और यहाँ सारे लड्डू जो हैं वो तैयार हो गए हैं। मैं इसको जार में लॉक कर दूंगी और इसमें कोई ख़राब नहीं होगा। क्रीम जो डली हुई, अगर आप ऐसा हो जाएगी इसमें ख़राब ना हो जाए तो ख़राब बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम इसको जो है फ्रिज के अंदर रख देंगे कवर करके। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को बहुत ज़बरदस्त लगे, क्योंकि अभी अम्बिया में से बना ही रही थी मेरे मम्मा, मैं एक खा लूँ, मैंने कहा सॉरी अभी नहीं दस्तखान पे। तो ये अभी थोड़े ही तैयार हुए हैं, फिर मैं और, क्योंकि जितनी खजूरें, पूरा एक बॉक्स था वो पूरे एक बॉक्स में ये समझे ये तैयार हुए हैं, और साबिया के दो तीन से चार साबिया के कोकोनट विदाउट कोकोनट के। तो अभी मैं और खजूरें लाके और फिर दोबारा और बना के रखूँगी, क्योंकि ये मैंने अपने अपने भाई को भी ट्राई ज़रूर करवानी, क्योंकि भाई को ऐसी चीज़ें मेरे बहुत पसंद है। तो मैंने भाई को बोला था कि भाई मैं तुम्हें ये चीज़ ये खिलाऊँगी ज़रूर लड्डू। तो ये चीज़ एक रेडी हो गई है हमारी, तो अब आगे और रफ्तारी के लिए तैयारी करनी है, तो आगे और तैयारी करेंगे और क्या क्या दस्तखान पर होगा अब हम आपको दिखाएँगे ज़रूर। ये बनाया आप ही ने, कस्टर्ड का कुछ ना कुछ तो लगाया है, मगर मजे शक्ल से अच्छा लग रहा है, मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि आप ही ने इसमें ना ओरियो बिस्कुट डाला है। ये कस्टर्ड है, गाइस ये कस्टर्ड है और इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल दिए। अच्छा लग रहा है, जरा सा चक्का मैंने, जरा सा गाइस का टेस्ट ना डोनट्स की जो आई, साविया ने पहली दफा बनाया यार, अच्छा बनाया। तो यहाँ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा।